इस सरकार से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और गांव में प्रत्येक विकास कार्य जोरों पर चले हुए हैं और गांव काफ़ी काम पूरे भी हो चुके हैं। जैसे गांव में कॉलेज का काम चला हुआ है, प्रजापत चौपाल में ये लंगराल का कार्य चला हुआ है और लगभग मोस्टली सभी गलियां बन चुकी हैं गाँव में। ये जी हमारे गलियां बनाई कई हैं, तो लंगराल बनाया, कॉलेज का निर्माण है जी, ITI का निर्माण है जी। ये MLA साहब ने बहुत काम करवाए जी, खेतों में प्लाटियाँ पक्की करवाई हैं, गांव में विकास के कार्य, गलियां, मंदिर में निर्माण करना, बहुत प्रोग्राम किए हैं सर। बढ़िया MLA साहब है जी हमारे। काफ़ी बदलाव देखा जी हमने, जो कंटिन्यूटी बनी है, समाज की सोच बदली है, जो रुझान था सरकारी स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों की तरफ, काफ़ी मतलब बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ी है हमारे स्कूल में, अब 3-4 साल से देख रहे हैं हम। और जो मेथड थे पुराने अडॉप्ट कर रखे थे टीचरों ने, उनमें चेंज आया है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। मूल चूल परिवर्तन है, हमारा क्षेत्र इस समय BJP के शासन में अच्छा काम कर रहा है। खास तौर पे जयसिंहपुर की बात की जाए तो कॉलेज और ITI के बाद आप स्कूल को देख सकते हो, बड़े अच्छे से हमने इसको रन किया है। और जो शिक्षा विभाग ने जो योजनाएं लागू की हैं, जैसे सक्षम, बहुत अच्छी योजना है, बच्चों को पढ़ने लिखने का रूटीन बना है, एक्स्ट्रा क्लासेस उसमें लगाई जाती हैं और बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का शिक्षा के प्रति। इस यहाँ पर गवर्नमेंट ITI, गवर्नमेंट कॉलेज और फपड़ाना बाईपास अभी पास हुआ है यहाँ से, और गांव के चारों ओर का विकास होने लग रहा है इस भाजपा सरकार में। सरकार अच्छी है, हमारा और दूसरी पार्टियां की जब सरकार आती थी, विधायक देखने से भी नहीं मिलते थे, कभी कभार एक आधी बार दिखाई देते थे, लेकिन अब विधायक साहब 24 घंटे जनता की सेवा में यहीं उपलब्ध रहते हैं, जब हम चाहते हैं उसी वक्त मिलने का मौका मिलता है और वो जब हम बुलाते हैं तो वो आते भी हैं। सर्वप्रिय नेता हैं, मिलनसार बंदे हैं, लोगों के दुखों को समझते हैं और अधिकारियों से भी सख्ती से मतलब पब्लिक के काम करवाने की अक्षमता रखते हैं। आपके गांव में सब गलियां बनवा रहे हैं, मिक्सी साहब जी अपना सब काम फिट कर रहे हैं, जमा से ही मिक्सी ने बहुत सुविधा दे रखी है। जयसिंहपुर गांव में विकास कार्य BJP के शासनकाल में काफी हुए हैं। जयसिंहपुर में सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी, जो हमारे एक कवर करने से ही विधायक जी ने यहाँ 33 का ट्रांसफार्म था और 66 का रखवाया, जिससे पहले 6 घंटे बिजली आती थी, अब 8 घंटे बिजली आती है और धान की फसल भी हमारी का 2-3 साल से पीछे अच्छी हो रही है जी। हम विधायक जी से काफ़ी खुश हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले शासनकाल में यही विधायक दोबारा बने। हमारे गाँव के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, पहले के मुकाबले अब की बार अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि अब जिस सड़क से आप निकल के आए हो, यहाँ पे बहुत बुरा हाल रहता था, ये सारी की सारी पक्की बनाई गई, गांव की गलियाँ पक्की बनाई गई। हमारे गांव में लगभग सभी गलियाँ लोक से बनाई गई हैं। बाकी हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने परले मंदिर पे भी 12-13 लाख रुपए का योगदान दिया है और हमारे यहाँ एक प्रजापति चौपाल है जिसकी काफ़ी दिनों से मांग थी, वो भी उन्होंने बनाई है और कुछ परली साइड में कॉलोनी के काम है वो भी किए हैं। और ये आपने नेशनल हाईवे जो मंजूर करवाया है मेरठ से और शायद भिवानी तक है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो हमारे विधायक साहब की देन है ये। और जी कॉलेज बनवाया है, ITI बनवाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसान बिजली के लिए यहाँ काफ़ी परेशानी होती थी हमें, विधायक जी ने पहला काम बनते ही बगैर किसी के कहे ये काम, ये ट्रांसफार्म बड़ा रखवाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक उस दिन की आज़ादी मिली है, पहले विधायक ऐसे हैं जो असंध में रहते हैं। विकास बहुत बढ़िया विकास हुआ है, जैसे कि ITI कॉलेज और गांव में गलियां, मंदिरों में भी लैटरिन बाथरूम कुछ बढ़िया
साइड भी बने हैं, अच्छे काम बने हैं कुछ। गली बहुत अच्छी, गली गुली बनाई, कॉलेज बनवाए, हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमारा अच्छे काम कर रहे जी। विकास तो जी हमारे यहाँ गांव जय सिंहपुरा में तो हो ही है, असंध हल्के के अंदर है। सरदार बख्शीश सिंह जो एमएलए है यहाँ पे, उन्होंने छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चले, अरे हरेक गांव में विकास हुए हैं जी। सबसे बड़ा तो बेनिफिट इनको जो चर्चा चलती है गांव में शहर में यही है जी, आज तक कोई विधायक या संत के अंदर नहीं रहा, इन्होंने यहाँ पे है पब्लिक ने कभी भी किसी टाइम में विधायक से मिलने की ज़रूरत पड़ी तो जी उसी टाइम ये अपने यहाँ रेजिडेंट संत के अंदर है वहाँ मिल जाते थे, और कोई भी जो भी लगा दुख सुख का काम था जी वो मौके पर करते थे। सरदार विधायक जी बिल्कुल सच्चे और ईमानदार एमएलए हैं, और बिल्कुल बढ़िया इन्होंने हल्के में जी आज तक 50 साल से काम नहीं हुए जो इन्होंने इस साढ़े चार साल में करवाए हैं। ये सरकार बहुत ही अच्छी है, इस सरकार ने बहुत ही कार्य की झड़ी लगा दी है, विकास की झड़ी लगा दी है, और हमारे विधायक जी जजारू विधायक सरदार बख्शीश सिंह ने हमारे गांव जयसिंहपुर में हर एक सराहनीय कार्य किए हैं। जो पपड़ाना से गांव जयसिंहपुर से पपड़ाना जो कच्चा रास्ता था वो भी मंजूर करा दिया, लोगों को काफ़ी समस्याएँ हो रही थी उस रास्ते के बारे में, और हमारे गाँव में ITI और 10 एकड़ में लगभग कॉलेज बन के तैयार हो गया है। हमारे गांव में लाइट बहुत ही कम रहती थी तो कई बार ट्रांसफार्मर छोटा था हमारे यहाँ, तो फॉल्ट के कारण तो लाइट चली जाती थी। बनते ही विधायक जी ने सबसे बड़ा कार्य ये किया कि बड़ा ट्रांसफार्मर रखवाया, और अब हमारे गांव में 8 घंटे लाइट रहती है, जिससे सब कुछ, सब परिवार, सब बच्चे खुश हैं और खुशहाल हैं।